हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हुए आज का टॉपिक शुरू कर। आज का टॉपिक है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन, हिंदी में अभिवादन कहते हैं। मैनर्स, मैनर्स को हिंदी में शिष्टाचार कहा जाता है। दोस्तों, अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति का आप अभिवादन करना चाहते हैं वो आपसे उम्र में, रिश्ते में या फिर ओहदे में बड़ा है या छोटा है, या फिर हम उम्र यानी समान उम्र का है। दोस्तों, अक्सर आपने बड़े से व जिनसे आप ज़्यादा तमीज से पेश आते हैं, जैसे मोहल्ले के अंकल, आंटी, ऑफिस में बॉस या कोई सीनियर, उनके साथ आपको टाइम यानी समय के हिसाब से ग्रीटिंग्स करना पड़ता है या अभिवादन करना पड़ता है। तो पहले सुबह से लेकर दोपहर के 12 बजे तक अगर हम किसी को ग्रीट करना चाहते हैं तो हम उन्हें कहेंगे गुड मॉर्निंग, सुबह से लेकर 12 बजे तक। सुबह से लेकर 12 बजे तक हम कहेंगे गुड मॉर्निंग किसी से मिलने पर, और उनसे विदा लेने के समय हम कहेंगे बाय, टेक केयर, सी यू या फिर हैव अ नाइस डे कहकर हम उनसे विदा लेंगे। इसके बाद होता है दोपहर से 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अगर किसी से हम मिलते हैं तो क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मिलने पर गुड आफ्टरनून कहेंगे, और विदा लेते टाइम सेम बाय, टेक केयर, सी यू या फिर हैव अ नाइस डे विदा लेने के समय कहेंगे। शाम 5 बजे से सोने तक अगर हम किसी को मिलते हैं और हम ग्रीट करना चाहते हैं तो हम कहेंगे गुड इवनिंग। किसी से मिलने पर हम उसे हमेशा कहेंगे गुड इवनिंग। अब आप सोचते होंगे कि रात में अगर हम 8 बजे किसी से मिलते हैं और हम उन्हें ग्रीट करना चाहते हैं तो कैसे करें? तो दोस्तों, चाहे 8 बजे हो या रात के 11, लेकिन हम उन्हें ग्रीट करते टाइम या करते समय हम उन्हें हमेशा गुड इवनिंग ही कहना होगा। और गुड इवनिंग कहने के बाद जब हम उनसे विदा लेते समय हम उन्हें गुड नाइट कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर टेक केयर, बाय या सी यू भी कह सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने किसी दोस्त या भाई बहन या फिर कोई खास जिसके साथ आप बहुत फ्रैंक हो, या फिर आपसे उम्र में या ओहदे में कोई छोटा जिससे आप मिले तो आप उन्हें हाय और हेलो का प्रयोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे मैनर्स। मैनर्स का मतलब होता है शिष्टाचार। अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों का प्रयोग करिए। आपको कुछ दिया गया या आपकी किसी बात को महत्व दिया गया तो आप थैंक्स कहना मत भूलिए। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें आप याद रखोगे, आपके बोलचाल में जब ये बातें आते रहेगी, ये आप यूज़ करते रहोगे, आपका अंग्रेजी में पकड़ धीरे धीरे होती जाएगी। तो जब भी कोई आपको कुछ दे रहा हो या आपकी किसी बात को महत्व दिया हो तो आप उसे थैंक्स कह देना। अगर कोई आपका धन्यवाद कहे तो आप उसे वेलकम या फिर मेंशन नॉट या फिर माय प्लेजर या फिर इट्स ओके आदि कह सकते हैं। बात आता है जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे हो और कोई बात या शब्द आपको सुनाई नहीं दे रहा या आप कुछ सुन नहीं पाए तो कुछ इस तरह कहे आई बेग योर पार्डन, या फिर आई एम सॉरी, या फिर आई डिडंट गेट यू, या फिर आई डिडंट गेट यू ये भी कह सकते हैं, या फिर एक्सक्यूज मी, या नम्रता से यानी एक नम्रता से आप कह सकते हैं कि विल यू प्लीज रिपीट
या फिर आई डिडंट गेट यू, ऐसे हम उन्हें कह सकते हैं। इससे आपके शिष्टाचार दिखाई देंगे। अगर आप किसी महिला या अपने से बड़े को कोई किसी बुजुर्ग को रास्ता देते वक्त कहे आफ्टर यू, इसका अर्थ है कि आप कहना चाहते हैं पहले आप, उसके बाद मैं, या उसके फिर मैं। अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, तो आमतौर पर आप कहते हैं आई एम फाइन। लेकिन साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति का भी हाल चाल भी पूछना चाहिए। आप कह सकते हैं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, या फिर ग्रेट यू टेल, या फिर फाइन एंड यू, ऐसे कह सकते हैं। इससे जो आपको हाउ आर यू यानि जो आपको पूछ रहा है उसके बारे में भी आप पूछोगे तो उसे भी अच्छा लगेगा और आपका शिष्टाचार भी दिखाई देगा। अगर आप किसी की बात को बीच में रोक कर अपनी बात कहना चाहते हो तो कुछ इस तरह कहे सॉरी टू इंटरप्ट यू, या फिर सॉरी टू इंटरवेन, और जब वो व्यक्ति आप पर ध्यान दे तो आप अपनी बात रखिए या फिर या अपनी बात कहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।